हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह मैं आज थोड़ा सा फिर से लेट हो गया हूँ। उठना हमें था 7:30 बजे, मैं उठा 8:15 बजे जाने के लिए शूट पे। इनफैक्ट लेट हो गया हूँ, लेकिन लास्ट मिनट जो चेंजेस होते हैं ना, वो हमेशा होते ही है मेरे साथ। और ये पैकिंग का सिस्टम बड़ा गड़बड़ है। जब जाना होता है, लास्ट डे होता है जब, तो भाई मेरे को तो एंड मोमेंट में पैकिंग करनी याद आती है। रात को सोचता हूँ कि सुबह कर लूंगा जल्दी उठ के, लेकिन होता मेरे साथ कभी भी नहीं है। तो लास्ट मोमेंट चेंजेस में, लास्ट मोमेंट भागा दौड़ी में फटाफट से पैकिंग कर रहा हूँ। कुछ कहना जाए वहां से फोन आ चुका है कि जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं। बाप रे बाप, मतलब सब कुछ अभी होना है। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज रेडी हो रहा हूँ, फटाफट से पैकिंग कर रहा हूँ। और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ लखनऊ में, तो चेकआउट भी करना है साथ में। अब समझ नहीं आ रहा कि चेकआउट करके बैग अपने साथ लेके जाए या यहीं पे छोड़ के जाए, क्योंकि जहां जाना है वो वहां से यहाँ का सफर 1-1.5 घंटे का है। तो 1-1.5 घंटे जाना, फिर वापस आना, फिर ट्रेन की पकड़नी, मुझे लग रहा है कि उसमें भी मैं लेट ना हो जाऊं। तो थोड़ा सा डिसाइड करने में भी डावट बोलता हूँ कि इतना सारा सामान लेकर हूँ। यहाँ देखो, इतना सारा सामान हमें ऑलरेडी जो है वो गिफ्ट के तौर पर लोग दे देते हैं। कभी कोई मिठाइयाँ हैं, कभी क्या क्या दिया हुआ सबने, इतना प्यार करते हैं लखनऊ वाले, सच बता रहा हूँ। उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आप लखनऊ से, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप इतना प्यार देते हैं, बिना खाली हाथ भेजते नहीं है किसी को भी। मिठाइयाँ दे देंगे महल के लिए इन्होंने, बल्कि किसी ने टॉफीज दी है, चॉकलेट्स दी है। तो यार थैंक यू सो मच अगर आप लखनऊ से हो तो, एंड कीप दिस लव ऑलवेज विद मी, क्योंकि मेरे को लखनऊ से बहुत ज्यादा प्यार है। फटाफट से पैकिंग करता हूँ, थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ। चलो बाय। जस्ट इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। और आज का माहौल तो बिल्कुल ही अलग है, कल का माहौल अलग था, आज का माहौल बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे बिल्कुल आज खाली है। आई थिंक कल जो वेडिंग वगैरह थी ना, वो सब निपट चुकी है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल खाली है, बिल्कुल शांति है। आपको थोड़े भीड़ भड़ाके में ब्रेकफास्ट करना पसंद है या फिर खाली ऐसे जैसे मुझे? देखिए अभी तो आपको सब कुछ बिल्कुल बढ़िया तरीके से सजा हुआ दिखेगा, बढ़िया तरीके से लगा हुआ दिखेगा। इनफैक्ट कोई भी होटल में आप जाएंगे ना, वहाँ पे इसी तरीके से जो बुफे है वो स्प्रेड होता है। अब यहाँ का बुफे अलग है थोड़ा सा बाकी जगहों से जो मैंने देखा है। आप देखेंगे यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स है, इधर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है। वैसे आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? मैं तो थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट ही पसंद करता हूँ। इनफैक्ट आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट ना, तो इसलिए थोड़ा सा देखभाल करके चल रहा हूँ। जैसे पूड़ी है, आई एम ऑन अ स्केप, यहाँ पे पराठे हैं, यहाँ पे ब्रेड पकौड़े हैं, आई कैन हैव दिस। तो यहाँ पे वर्मिसली उपमा, ये मेरा फेवरेट होता है वैसे, अगर मुझे किसी भी स्टेशन में मिल जाता है ना, तो आई डोंट लीव दिस एट ऑल। उसके बाद इडली है, सांभर है, और थोड़े से यहाँ पे एग्स हैं, चिकन सॉसेजेस हैं, ग्रिल्ड टमाटोज हैं। ये क्या है यहाँ पे देखते हैं, ओ ये कॉर्न एंड मशरूम है, गुलाब जामुन। सुबह सुबह गुलाब जामुन कौन खाता है भाई, खाने वाले खाते भी होंगे इनफैक्ट। और मिठाई सेक्शन में आप देखेंगे थोड़े से यहाँ पे डोनट्स वगैरह हैं, केक्स हैं, और इधर मफिन्स वगैरह हैं। तो एनीवेज आई एम गोना हैव माय ब्रेकफास्ट फटाफट से, एंड देन गोना रश, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो यहाँ से बस खा के फिर आगे बढ़ता हूँ। सो फाइनली हमारा ऑटो यहाँ पे आ चुका है। अरे आप तो वही है जो कल भी आए थे, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। चलिए फिर चलते हैं। तो भाई यही सेम ऑटो वाले भैया हमें आज मिल गए हैं, एंड हमें जाना है इदरीस बिरयानी पे। भैया ये पंखे का क्या जुगाड़ है यार, मतलब मैंने देखा सबके ऑटो में ये पंखे का जुगाड़ है, गर्मी की वजह से लगाते हो क्या? गर्मी ऐसी लग नहीं पाएगा, हवा हवा ठंडी देता है, खरे ऐसी लग नहीं पाएगा, तो इसलिए पंखा लगाया। क्या बात है भाई, बहुत ऐसी जुगाड़ लगा रखा भैया। क्या नाम है आपका? रामा यादव। रामा यादव, यही से आप? क्या बात है, चलिए फिर चलते हैं ऑफ टू आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ओटीपी बता रहे हैं, अच्छा गाइस ओटीपी बताना, बाय बाय गाइस। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इदरीस बिरयानी पे, और आज मेरी किस्मत अच्छी है, आज मुझे बिरयानी भी मिलेगी, मैं शूट भी कर पाऊंगा और खा के उसका स्वाद भी ले पाऊंगा। पूरी वीडियो आएगी मेरे चैनल स्वाद ऑफिशियल पे, तो अगर आपने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया ना, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। और ये बिरयानी अगर आप लखनऊ आए ना, तो ज़रूर खा के जाइएगा गाइस, इनकी बिरयानी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता था सिर्फ दिल्ली में इतना जाम लगता है, भाई लखनऊ में यहाँ पे मैं पिछले 25 मिनट से खड़ा हूँ, गाड़ी हिल नहीं रही है, रेंग नहीं रही है, और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं इंतज़ार में, एम्बुलेंस कॉन्टिन्यूसली बजाई, अपना हॉर्न बजाई जाती जा रही है कि उसको रास्ता दे दीजिए, बट कोई यहाँ पे मदद करने के लिए है ही नहीं। अनबिलीवेबल सीन्स मैन। भाई ऐसा आपको मैंने बताया ना, हो ही नहीं सकता कि मैं दिल्ली वापस जाऊँ या दिल्ली से आऊँ और शर्मा चाय पिए, और शर्मा ठीक है यहाँ पे आके चाय बन मस्का ये खाए बिना चले जाऊँ। वैसे मेरा दोस्त मिल गया मुझे, इसके मैं आपसे भी बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, अभिषेक भाई है, फ्लेवर तो लखनऊ का चैनल है, लखनऊ आए इनसे ना मिले तो थोड़ी हर गली हर नुक्कड़ बताए इनको यहाँ का कहाँ पे क्या खाना मिलेगा। जाने माने पर्सनैलिटी है ये लखनऊ, तो ये मुझे ये मुझे मिले हैं, कह रहे हैं कि चलो फटाफट चाय पीजिए, इन्हीं के साथ अब बाकी का सफर रहेगा 1-1.5 घंटे का। लास्ट टाइम भी जब आया था ना, तो याद है कैसे भागा दौड़ी में हम फटाफट से पहुंचे थे स्टेशन में, शायद मेरा थी बहुत एमरजेंसी जो पोस्ट था उसके जस्ट बाहर जाके गाड़ी, हां 30 सेकंड के अंतराल में हम पहुंचे थे। आज भाई ऐसा कभी हुआ ना, भाई फटाफट से चाय पी लिए, फटाफट होटल जाना है, बहुत दूर है यहाँ से, बैग वैग उठाने, आपको पता है कितने सारे बैग हैं, फिर भाई की गाड़ी में बैठना है, फिर स्टेशन पे जाना है, स्टेशन पे भी कोई मिलने आ रहा है, उससे भी मिलना है, भागते हैं, बाय बाय।
भाई मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन जो मेरा कैमरामैन है वो अभी तक नहीं आया है, उसको 10 मिनट और लेंगे। 3:35 की ट्रेन है और एज ऑलवेज मैं लेट हूं। 3:28 3:28 हो गए, उसकी इंतजार कर रहा हूं। कह रहा भैया 10 मिनट लगेंगे, भगवान करे वो पहुंचे। इसने मेरी गारंटी ली थी पहुंचाने की, इसने मुझे पहुंचा दिया। अभिषेक भाई आपने तो पहुंचा दिया, अब उसकी उसके बिना मैं जा नहीं सकता, अब उसकी वेट करनी पड़ेगी मुझे। ट्रेन पहुंच चुकी है और सबसे अच्छी बात मालूम है ना आपको क्या है, गाड़ी प्लेटफॉर्म ट्रेन, ऐसा स्टेशन दिल्ली में होना अगर तो मजा ही आ जाए। 24 hours. Thank God, finally मैं भी पहुंच गया, इधर सचिन भी पहुंच गया। भाई भाग दौड़ करके मजा आ गया, लास्ट मोमेंट पे हम दोनों ने ट्रेन कैच किया। एज ऑलवेज मुझे लगता है लखनऊ के साथ ना कुछ अलग ही रिश्ता है मेरा, मतलब हमेशा मैं लास्ट मोमेंट पे ही ट्रेन कैच करता हूँ। 3:35 की ट्रेन होती है, कभी 3:20 कभी 3:30, आज 3:34 पे ये पहुंचा है, थैंक गॉड, बट पहुंच गया। नाउ ऑफ टू दिल्ली एंड विल टेक सम रेस्ट नाउ टुमारो। एंड फाइनली द डिनर इज हेयर, और डिनर में आज है ये मटर पनीर की सब्जी, साथ में राइस जीरा वाले, साथ में ये दाल जो कि बहुत सिंपल लग रही है, साथ में चपाती, दही है और मिक्स पिकल है। तो वॉज वेरी हंग्री, बट कुछ ना इमोशनल से एक अटैचमेंट लगता है यार, जब ये ट्रे आपके सामने आती है ना तो लगता है यार फिर से वो समय आ गया जो मतलब पहले हुआ करता था। बीच में आपने देखा था जब कोविड आया तो बॉक्सेस वाला खाना मिलने लगा, लेकिन अब फिर से जो फ्रेश फूड बना के देते हैं ये वो आपको सर्व किया जाता है। आपको ट्रेन का खाना कैसा लगता है कमेंट में जाके बताना। और भाई जो खुशी ट्रेन में ये आइसक्रीम मिलने की होती है ना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खुशी आपको कभी कहीं और हो सकती है आइसक्रीम खाने की। ट्रेन में खाने के बाद आइसक्रीम मिल जाए, आई थिंक जो आपकी जर्नी है ना वो सक्सेसफुल हो जाती है। एग्री करते हो तो कमेंट में जाके बताना। ऐसा लग रहा है आज ना सब कुछ ही डिलेड है, हमारी जो ट्रेन है दिल्ली के लिए वो भी डिलेड है, और ऐसा ना बहुत रेयर होता है कि शताब्दी जो है वो एक घंटा डिलेड हो। हमारी ट्रेन एक घंटा डिलेड है, मैं शताब्दी में ट्रैवल कर रहा हूँ और आज का पूरा जो दिन है ना वो थोड़ा डिलेड ही रहा। आपने देखा कैसे मैं सुबह पहले जैम में फंसा, फिर शूट के लिए लेट पहुंचा, फिर जैम में फंसा, और अब ट्रेन भी जो दिल्ली पहुंचनी थी लगभग 10:15 बजे, अब वो पहुंच गई 11:30 बजे के आसपास। होता रहता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती है, सो अब यूज टू हो गए ना तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो आई थिंक आज अगर 1 आवर बता रहे गाजियाबाद आया, अभी गाजियाबाद आने वाला है, उसके बाद कहते हैं कि आधा पौना घंटा और लगेगा, फिर पहुंच जाएगी जी दिल्ली। वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि ट्रेन में मैंने खाना खाया लेकिन मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों। घर पे राजमा चावल बने हैं जो मुझे पता चला है, वो जाके खाऊंगा, फिर थोड़ा फ्रेशन अप होगा, फिर सो जाऊंगा। फाइनली बैक होम, एंड इट इज़ सो गुड टू बी बैक होम कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ी संतुष्टि मिलती है जब घर वापस आ जाते हैं, जितना मर्जी ट्रैवल करें लेकिन जो संतुष्टि मिलती है और जो सुकून मिलता है ना वो घर पे आके ही मिलता है। अगर एग्री करते हो इस बात से, जाओ 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 जल्दी कमेंट में जाके लिखो। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा मेरा व्लॉग्स, उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो। आपको पता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ रोजाना व्लॉग्स आपके लिए लेके आने के लिए, क्योंकि आप ही की डिमांड थी, तो मेरी कोशिश जारी है, आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करो जल्दी से, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बाकी मैं आपको कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, गुड नाइट।